हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके चार लॉज आते हैं, एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, और हमने इससे पहले 11th में भी ये पढ़े होते हैं, और इसके साथ साथ आप यहाँ पे भी इन्हें देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट यहाँ पे लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। आपका जब आप लेते हो यहाँ पे टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट लेते हैं, हम यहाँ पे टेम्परेचर इज़ कॉन्स्टेंट, तो क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और यहाँ पे जो पी वी होगा वो कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि हमारा टी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। तो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है, जिसे आप के कह सकते हैं। तो वही यहाँ पे ये के है, एंड इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास दो वॉल्यूम और दो प्रेशर हैं तो P1V1 इज़ इक्वल टू P2V2। अगर हम इनके ग्राफ की बात करते हैं तो अगर आप P और V के बीच में ग्राफ देखते हैं तो कर्व आता है, और अगर हम V ओवर 1/P के रिस्पेक्ट में देखते हैं यहाँ पे, तो ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये आपका बॉयल्स लॉ है, और ये आपको पता भी होगा आई होप। एंड हम अपना इससे आगे सेकेंड लॉ देखते हैं, जो कि है चार्ल्स लॉ। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यहाँ पे आपका जो प्रेशर होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। ये एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं ज़्यादा, बट आपको एक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका लास्ट में वैन डेर वाल इक्वेशन बनती है, एंड ये आपको पता होने चाहिए। तो आपका जो चार्ल्स लॉ है वो कहता है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो किसी भी गैस की जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आपका एक कॉन्स्टेंट आता है, जैसे आप यहाँ पे के कहते हो, तो अगर आप के की वैल्यू देखोगे तो वी ओवर टी आएगी, और वहीं अगर हम यहाँ पे दो वॉल्यूम और दो टेम्परेचर ले लें तो V1 T1 इज़ इक्वल टू V2 T2 आएगा। तो आगे हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे इसका ग्राफ है, जो हम वी और टी के बीच में आप इसका ग्राफ बनाते हो, चूँकि हमें पता है वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, तो इसलिए क्या होगा, जितना आपका वी इंक्रीज़ होगा उतना आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी। आगे हम अपना थर्ड लॉ देख लेते हैं, जो कि कैलोसेक लॉ, और इसे हम प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं। तो आपका जो ये लॉ है वो क्या कहता है, एट एनी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, आपका जो वॉल्यूम है उसे कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, तो P ओवर T इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका K। और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आपके पास दो प्रेशर और दो टेम्परेचर है तो P1 T1 इज़ इक्वल टू P2 T2। और ये बेसिकली गैस के लॉ हैं, तो गैस पर ही आपके एप्लीकेबल होते हैं। आइए इसका लास्ट और फोर्थ जो आपका लॉ होता है वो देख लेते हैं, जो कि एवोकाडो लॉ। एट एनी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक तो आपका प्रेशर कांस्टेंट ले लेते हैं, और दूसरे यहाँ पे हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लेते हैं। तो ये चीज़ें जब हम कांस्टेंट लेते हैं तो आपका वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ़ मोल्स के। ये जो एन है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ मोल्स को। तो वी इज़ इक्वल टू एन, ये ए जो यहाँ पे है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखा हुआ है। एंड अगर आपके दो वॉल्यूम और दो नंबर ऑफ़ मोल्स की बात की जाती है गैस की, तो यहाँ पे V1 N1 इज़ इक्वल टू N2 V2 आता है, जहाँ पे आपका V1 इज़ इक्वल टू V2 होगा एंड N1 इज़ इक्वल टू N2। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो इक्वल नंबर, अगर आपका इक्वल वॉल्यूम है गैस का एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में देखते हैं तो वन मोल गैस कितनी होती है आपकी 22.4, एंड आपका टेम्परेचर 273 लेते हैं हम, एंड जो प्रेशर है वो 180 लेते हैं। तो इस तरीके से आपके चार मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को शेयर कीजिए। दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।